अगला ये आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें 6B और ये पास डी मैथ 3 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपके पास है फाइंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स के आपने इसका लेंथ निकालनी है। अब इसको जरा प्लीज जरा देख लीजिएगा, एक दो चीज़ें जरा इंपॉर्टेंट है वो समझ लें। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब होगा, अब ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन सेगमेंट है और हम पहले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, एक लाइन जो होती है वो आपके पास इनफिनाइट होती है दोनों साइड से। लेकिन लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास उसी लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट्स हम यूज करें, बेसिकली दिस इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है लेंथ का भी वर्ड यूज कर सकता है, या आपके पास वो डिस्टेंस का भी वर्ड यूज कर सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी वर्ड क्वेश्चन हो सकता है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो फिर भी आपके पास। अब इसके मतलब फार्मूला क्या है वो जरा नोट कर लीजिएगा। ए बी इसके हम मॉड लिखते हैं, ठीक है, ए बी हम मॉड लिखते हैं। इसका फार्मूला बनता है ना x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं या लेंथ निकालने जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक हो गया। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेडियंट का, तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास y2 - y1 over x2 - x1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब आपके पास जो है इसमें, थैंक यू, इसमें आपके क्या करना है, देखिए अब हम क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कि दो पॉइंट्स आपके पास हैं, इसको बेटा आप x1 y1 कह दें, इसको हम x2 y2 कह देते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ये पहले से हमने लिखा हुआ है, तो जब भी कोई पार्ट होगा तो उसका क्वेश्चन क्या है हमने फार्मूला लिख लेना है। तो ए बी, हाँ जी, फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मूला कौन बताएगा जी, इसको अगर आपने नाम दे देते हैं तो बड़ा बड़े आसान हो जाता है। ठीक है। अब x2 बेटा क्या हो गया, x2 है जी 9 - x1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस y2 बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 - y1 क्या दिया हुआ है बेटा 2 होल स्क्वायर, सॉरी y वाला आपके पास क्या है बेटा 3। अच्छा जी, अब आपके पास मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है 9 - 2 दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 7 - 3 क्या करेंगे आपके पास दैट विल बी 4 स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले। अब इसमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, अगर ये दरमियान में मल्टीप्लाई होता है तो फिर वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन जब दरमियान में प्लस माइनस होता है तो पहले वो अंदर सिंप्लीफाई होगा। 7 स्क्वायर दैट विल बी 49 और 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16, इसको बेटा जब ऐड करेंगे 65 स्क्वायर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका ये पेपर 1 में आ रहा है यानी कि विदाउट कैलकुलेटर है तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ की बात होती है तो आगे लिख देंगे यूनिट्स। अब मैं यूनिट को लेकर आऊँ क्योंकि उसने ये नहीं लिखा हुआ ये सेंटीमीटर में है या ये मीटर में है, तो जो भी है उसके मुताबिक लिख देते हैं, क्लियर की बात। लेकिन अगर ये पेपर 2 में है या इसकी अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर आप इसको वैल्यू में लिख सकते हैं 8.1 इसका, फिर भी आप लिखेंगे यूनिट। ठीक हो गया जी। अब सिमिलरली हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, मैंने यहाँ पे क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, मैंने दूसरा पार्ट डी सेलेक्ट किया हुआ है, इसको बेटा आप x1 y1 कह दें, x2 y2 कह दें इसको, क्लियर हो गया। अब हमारे पास वही फार्मूला जो बनेगा GH का जब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। और आप अगर हर पार्ट में फार्मूला साथ साथ लिखते जाएंगे तो फार्मूला भी रिवाइज होता जाएगा और आपकी मिस्टेक जो है वो भी कम से कम हो जाएगी। ठीक है। और शायद यार आप नोट नहीं कर रहे, आप बातें ना करते रहे, क्वेश्चन नोट कर रहे, हाँ जी। अब आपके पास x2 है जी -4 और x1 हमारे पास आ रहा है -10 और इसका सबका होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा हमारे पास है -7। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए नेगेटिव साइन आ रहे हैं तो ख्याल कीजिएगा कि नेगेटिव साइन में भी मिस्टेक्स होने का ज़्यादा चांस होता है। y2 बेटा -7 आ रहा है
फिर फॉर्मूला है माइनस और वाई वन हमारे पास आ रहा है टू और इस सब का स्केयर और इसका हम क्या करेंगे ना स्केयर। ठीक है, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए। देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब अगर अंदर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस फोर प्लस टेन होल स्केयर फिर प्लस। अब यहाँ पे बन रहा है माइनस सेवन और माइनस टू तो दैट इज माइनस नाइन होल स्केयर। ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा क्योंकि अगर आप ब्रैकेट प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो फिर माइनस की वजह से उसका जो आंसर होगा वो गड़बड़ हो सकता है। हाँ जी, अगर इसको आप अंदर सॉल्व कर लेंगे नर्ली तो दैट विल बी सिक्स पॉजिटिव सिक्स स्केयर और ये अभी मैं इसको वैसे रहने दे रहा हूँ। हाँ जी, सिक्स स्केयर दैट विल बी 36 और नाइन स्केयर। अब देखिए प्लस नाइन स्केयर लें या माइनस नाइन स्केयर लें दोनों सूरत में आपका आंसर दैट विल बी 81। सो व्हेन विल यू ऐड दिस नंबर दैट विल गिव यू 117 स्केयर। सिमिलरली जिस मैंने आपको पहले बताया है कि अगर ये पेपर वन में है तो आप उसको जो है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर आपके पास इसको आगे लिख देंगे यूनिट्स, लेकिन अगर ये पेपर टू में कहीं पर आ रहा है तो उसको फिर आप जब सॉल्व करेंगे जैसे 100 अगर होता तो 10 होता ये तो 10.8 यूनिट इसे बेटा का। साथ साथ क्वेश्चन नंबर ये टू जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो इस सवाल में थोड़ा सा जो आप नोट कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, इसलिए जब पेपर वन है उस टाइम में आ सकता है। क्वेश्चन बेटा क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 10। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस उसने दे दी है। अब बेटे कुछ बच्चे अगर वहां पे नोट कर रहे हैं प्लीज थोड़ा स्टॉप कर लें, इसको जरा देख लें उसके बाद वो नोट कर लीजिए। देन यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। ठीक है जी, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 10, ये आपको गिवन है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, जैसे अभी हमने फॉर्मूला बात कर रहे थे, अब आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला का जो क्वेश्चन है बेटा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक बेटा अगर एक देखेंगे ये x1 है ये y1 है, ये पहले लिख लिया करें इससे मिस्टेक कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है ये x2 है बेटा और ये क्या है जी y2। अब हम पुट करें x2 बेटा क्या हो गया 0 माइनस x1 है p p का स्क्वायर प्लस y2 बेटा आपके पास क्या आ रहा है। अब बेटा देखिए ये मैंने बता दिया था कि x2 यहां पे 0 है ये p की वैल्यू आ गई, y2 यहां पे p दिया हुआ है और y1 यहां पे 0 है। ठीक है, अब आपके पास जो है यहां पे देखिए बेटा ये माइनस p का स्क्वायर जब होगा तो p स्क्वायर बन जाएगा, p का स्क्वायर भी p स्क्वायर बन जाएगा, तो आपके पास विदिन ब्रैकेट या 2p स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 10। तो क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म कर रहे हैं हमने तो दोनों तरफ क्या ले लिया बेटा हमने स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो दैट विल बी 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 100। फिर हमने क्या कर दिया इसको आपके पास सॉरी यहां से अगर आपके पास ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो गया। ठीक हो गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 50 तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है पी खत्म करने के लिए यानी स्क्वायर खत्म करने के लिए फिर दोबारा क्या किया बेटा स्क्वायर रूट लिया है तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 7.07। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके,